जे ये उपदेश कमा लीए तो मुक्त होने वास्ते इन्ना ही काफी है, बहुत है, मुकदा नहीं, बेअंत है। जे ये उपदेश आप कमा लीए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अद्वैत रूप ब्रह्म ओंकार सारे का प्रकाश सतगुरु की कृपा करके प्राप्त होता है। चेतना है तो चेतना, धन गुरु नवे पातशाह जिन्होंने 26 साल 9 महीने 13 दिन बाबे बकाले भोरे साहब के महान तपस्या की, जो वैराग नूं पैदा करने वाले हैं। वैराग ने जन्म ही सतगुरु नवे पातशाह तो लिया है। तो ऐसे गरीब नवाज सच्चे पातशाह की सारी बाणी वैरागमई है। सब मनुख नूं उपदेश देण वाली ते वैराग पैदा करने वाली संसार के मोह ते पदार्थों को छुड़ाने वाली है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं, चेतना है तो चेत लै। हे भाई, चेतना नाम, चेतन नाम बुद्धि का होंदा चेतना। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, हे जीव, हे सिख, जे भाई तैनू अकल रब ने दिती है, जे तैनू समझ है, ज्ञात है, बुद्धि है, जे अकल टिकाने है तां चेत लै, तां परमेश्वर नूं चेते कर लै। जे तेरी अकल ही टिकाने नहीं, पागल ते मूर्ख समझ हो चुका, फिर तैनू कहना ही की है। तो जे बुद्धि है, अकल टिकाने है, सियाणा है, अकलमंद है, तां हे प्राणा तारी जीव परमेश्वर नूं चेते कर लै। इसे तरह चेतना है तो चेतला, चेतना है तो चेतला। जे चेतन सत्ता तेरे विच है रब दी, जे तां जिउंदा जागदा है, फिर तां भाई परमेश्वर नूं चेते कर लै। ते जे मर मुक चुका है, परमेश्वर की सत्ता ही तेरे विच नहीं रही, चेतन सत्ता निकल चुकी है, फिर मुरदिया तेनू कहना ही की। जे चेतन सत्ता है तेरे विच जिउंदा जागदा है, अब परमेश्वर चेते कर लै। अथवा चेतना है तो चेतना, चेतना है तो चेतना। चेतना नाम चेते का है। भाई जे तेनू चेता है कि माता के गर्भ के जो पुठा लमक रहा मुख तलै पैर उपरै संदो कोह फड़ाता है, जिथे माता के खाधे हुए रोड भी हजम हो जाते हैं। तो उसे तू फुल नाल भी नरम सी, तो जिमें आवी दे विच भांडा पकाई दा इउं तेरा शरीर उत्थे पक रहा सी। परतपाल माता उधर राख लगन दे तना सेक, कोई स्वामी इहां राख बूझ बुद्ध विवेक, मेरे मन नाम की कर टेक। हे मेरे मना चेते कर, जिथे माता दे गर्भ दे विच अपना सिमरन दे परतपाल लिया, उत्थे तू कुछ पढ़न कीते सन परमेश्वर दे नाल, ओ चेते कर। तू बेनती करदा सी, हे परमेश्वर, मैनू ऐसी संगीन ते तंग कोठरी चो कढ, मैं सुहास सुहास तेरा सिमरन करांगा, धर्म दी किरत करके वंड के छकांगा, दसवंध तेरे नाम दा दियांगा। जे भाई चेतना है, ओ तैन चेता है माता दे गर्भ विच कीते होए अकरार दा, तां चेतना है, परमेश्वर नूं चेते कर लै। है गुरु के प्यारे, जे चेता भुला ही बैठा है तां फिर उदों चेता आवेगा जदों जमदूता ने तेरा गला घुट लिया, फिर तां उघर गईआं खिणां पीतर जमा ग्रासा च होठ। हुण अखी मीटी बैठा है परमात्माई ते गाफलताई दी नींद दे विच, खाओ पीओ हंडाओ आ जग मिठा अगला किन मिठा, उदों अखां उघड़नगीआं जमदूता ने आके तेरा गला घुटिया। तो जे चेते है तां परमेश्वर नूं चेते कर लै। गुरमुखां करां उपर हर चेतिया, ते पाइन मोख द्वार। गुरमुखां करां नाम कौलां दा इकरारां दा नाम है, जिहड़े कीते होए सन कौल माता दे गर्भ दे विच इकरार कीते होए सन, उहनां उपर परमेशर नूं चेते कीता है याद रख के। सो इसे तरह कहिंदे हन, चेतना है तो चेतना। भाई जे चेते करना ही है परमेशर नूं तां चेते करना फिर, क्योंकि तन चेतन चेतन हेत दयो ना भोगन हे जगदीश तैन। ये मनुखा जन्म ही परमेश्वर चेते करने वास्ते रब ने दिता है, ये विषय कारण भोगन वास्ते नहीं दिता। ये भोग तो होरने जूनों में कुत्ते बिले कावान की जूनों में भी संताना पैदा कर लिया, खा पी हंडा लिया सौ लिया। तो यह तो बाकी के जोड़े विषय भोग ये तो होरने जूनों में भी मिलते सन। ये मनुखा जन्म तो भाई परमेश्वर चेते करने वास्ते है, आयो सुन पढ़न कौ बाणी। इस वास्ते तो तेनू चेते कराउंदे हां कि मनुखा जन्म एक चेतना चेत का महीना है, इस भाई परमेश्वर चेते करना याद करना है। तो किस अवस्था दे विच कहिंदे हन, पवसागर के तरन को तरन अवस्था आए। संसार समुद्र तो तरन वास्ते जवानी की अवस्था ही चंगी है। जवानी अवस्था दे विच कोई सिमरन भजन जप ताप हठ कोई नितनेम असूल बना सकता है,
ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪੈ ਕੇ ਸੁਧਵਾਨੀ ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸਬਦਨੀ ਉਚਰਾ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਪਰਾਨੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤ ਪਦਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਨਿਹੋ ਨਵੇਂ ਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਕੱਢ ਪੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਜੇ ਚੇਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਿਹਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਤਮਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਲਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਦੇਰੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੇਵੀ ਸਭ ਗੁਰੇ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੜੇ ਵੈਣ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਛਿਣ ਛਿਣ ਆਓ ਦੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਕਿਆਈ ਤਗੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਖਿਣ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਦ ਉਮਰ ਬਿਹਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ, ਆਮ ਘਟਾ ਤਨ ਸ਼ੀਜਾ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਧਕ ਜਿਉਂ, ਕਹੋ ਕਮਨ ਬਿਦ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਮਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਖਬੰਤਾ, ਕਹੋ ਕੋ ਹੈ ਕਾਕਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਨਾਹੀ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰ ਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਥਰਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ। ਜਾਜਾਬੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹਨ। ਸੋ ਛਿਣ ਛਿਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਰਫ ਹੈ, ਸਰਫ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਇ। ਸਰਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਨ ਭਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਫ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਫ ਹੈ, ਸਰਫ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਵੀਰ, ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਟ ਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਜੰਮਦੀਆ ਦਮਾਮਾ ਆਏ। ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਟ ਕੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਮੀਚਣ ਤੇ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਟ ਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਿਓ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਾਰਬਦ ਰੂਪੀ ਚਾਬੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਰਬਦ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚਾਬੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जो प्रारंभ की समाप्ति होगी उस मौके से यह शरीर रूपी कड़ी खलो जाए। फिर नहीं इस बाबा बोलते ते कहंगे देही के संग्रहित सुरत माहे जो निरते करते कथा वार्ता कहते। यह हालत अंतर हो जाएगी प्रारंभ की समाप्ति तो फिर नहीं किसी प्रकार बोलिया चलिया तुरै फिरिया जाना। तो शिमशन काल की उम्र गुजरती जा रही है। फूटा घट ज्यों पानी कहने जिम्मे टुटे हुए घड़े के पानी पाया हो बूंदा उस निकल निकल के अंतरों कड़ा खाली हो ही जाता है। इस तरह घड़े तो एक छेक दो हो गए तेरे शरीर के नौ छेक हैं तो 24,000 श्वासों की बूंदा अठां पैरों से तेरे निकल रही हैं। अंतरों खाली हो जाएगा तेरा शरीर रूपी घड़ा तेन लोगी कहे पूरा हो गया। पहला अधूरा ही रहा मनुख जब तक ज्यौदा अधूरा ही रहा जो मर जाता कहते हूँ पूरा होया। तो इस प्रकार मर गया लोग कहे समाप्त हो गया कहे। तो इस प्रकार कहने बूटा कट जो पानी जिमें कच्चा कड़ा पानी के रख दिए तो वह फुट जाता है। तेरा शरीर रूपी कड़ा पंजा तत्तां रूपी कच्ची मिट्टी का बनया होया काल रूपी पानी में रख्या होया यह टुटता भजदा जा रहा है टुट भज जाएगा। क्या परवासा इस पांडे का इतने कलागा ठनका की भरोसा शरीर रूपी पांडे का कदों रोग रूपी ठोला वजन तो इन्हें। तो हजूर सच्चे पातशाह कहने प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बखर बेचारा। यह हालत है शरीर की टुटे हुए घड़े के पिछे जब पानी बहता रहा है तो स्वास्थ्य रूपी पानी निकल रहा है समाप्त हो जाएगा अंतरों में शरीर रूपी कड़ा तेरा विश्राम दे के कहते हैं हर गुण काहे ना गावही। भाई हरि परमेश्वर के गुणा काहे ना गावे क्यों नहीं गाँवता की कारण है। परमेश्वर के गुणा गाँवना कर जिस परमेश्वर ने तेन इनिया दातां दित्तियां तो चेते कर मैया के गुण चेत परानी कमन मूल से कमन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया बार व्यवस्था तुझा प्यारा दूध पर जो गुर भोजन सूद मृद पाया ऊपर सच चैन मुख अपियाओ बैठ का उदैन यह निर्गुण गुण कशु न बूझ बख्श लिहो तो नानक सिज हरि परमेश्वर के गुणा क्यों नहीं गाँवता है। मूर्ख अग्ञाना शास्त्र ज्ञान तो रहत अग्ञानिया व्यवहारा तो रहत व्यवहारा की समझ तो रहत मूर्ख मन करके मूर्खा बाणी करके अग्ञानिया मन बुद्ध दे विच विचार ही नहीं तेरे तो मूर्ख है अग्ञानी है परमेश्वर के गुणा क्यों नहीं गाँवता है। मूह आदि इंद्रिया के विषया के खाण पीन के अपने आप को रोक के रखा होया है। तो व्यवहारा वालों मूर्खा शास्त्र ज्ञान वालों अग्ञानिया झूठा लालच लाग का झूठे खाण दे पीण दे भोगण दे लालच विच लग के झूठी प्रभता ते वड्याई जोबन तन प्रभता कह मदम अहमस रह जवाना जवानी तन वड्याई के अहंकार के शराब के दिन रात यह अन्ना होया रहा है जी। ये झूठे माया के कत्र करने झूठी अपनी प्रभता से वड्याई से जस दे झूठे लालच में ला करके खाण पीन के लालच में ला करके मरना पछाना तू तो मरना पछाड़े नहीं मौत में चेते नहीं किया खाना पीना हसना सौना निसर गया है मरना खसम विसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना अजू काश बिगड़े हो नहीं। हे महाराज मेरी तो हम बालक अवस्था गुजर गई जवानी भी तर गई बिरध हो गए हूँ मैं जो करा भी तो भला की कर लवाना। हजूर कहते नहीं नहीं निराशा होने की लड़ नहीं कबीर कालीन धौली साहब सदा है जे को चित करे तो काले के सी नहीं तो धौले के सी परमेश्वर का सदा है जे को दिल की भावना से। हजूर कहते ना हाले भी डुले हुए बेर का कुछ नहीं बिगड़िया तो हूँ भी अजू कुछ बिगड़ियो नहीं हूँ भी तेरा कुछ नहीं बिगड़िया। एक दिन बाजा वाले पासो प्रेम सुराही पीती पाए हमारे लिखी फकीरी तो मस्तक तर लीती पिछली उम्र गुनाही बीती हर की भगत न कीती अगे समझ चलो नंद लाला पिछे जो बीती सो बीती जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै करे उपदेश छिड़कै बहु पाती बहुत पिता गल लावै पिछले औगुण बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावै पिछले साढ़े औगुणों माफ करके अगे भी जो सतगुरु जी राह पा देंगे
मेरा कर दिया तहे गुरु के सिख हाले भी कुछ नहीं मिल रहा। ये हो गया जो शरीर का कि दर्द है हम भी परमेश्वर चेते करें तब परमेश्वर हाजिर नाजिर है कुछ बिगड़िया नहीं है। जो प्रभु गुण गावा जो जे तू प्रभु दे गुणा नू गावना करे तब परमेश्वर तक गई बहोर बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी परमेश्वर ऐसा है तेरी पहली गई हुई व्यर्थ गई हुई उम्र नू भी बचा लेंगे तो सच्चे पातशाह जी उन्हें भी सफरी कर देंगे। तो हजूर कहने जे प्रभु परमेश्वर के गुणा नु गावना करे हाले भी कुछ नहीं बिगड़िया है। कहो नानक तेहे भजन ते हजूर कहने जिस परमेश्वर का भजन करन तो जिन पै पद पावा पै तो रह पदवी नु प्राप्त कर लवेगा ब्रह्म ज्ञानी बन जावेगा। पै कहूं को देत न पै मान से आन कहो नानक सुन रे मन ज्ञानी ताहे बखान निरभाव पदवी नु निरभाव जपै सगल भाव मिटै इस पदवी नु प्राप्त कर लवेगा। जो नर दुख मैं दुख नहीं मन सुख सुने हर भय नहीं जाका कंचन माटी मन न निंदा न औसत जाका लो मोह अपमाना हर शोक से रह न्यारो नाहे मान अपमाना ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। फिर काल का डर नहीं जमदूतों का डर नहीं जमण मरण का डर नहीं सो प्रलोक का डर नहीं ऐसलोक का डर नहीं विषय विकारा का डर नहीं सो सारे प्रकार के डर तो कवरा मरिया मटा भूतों प्रेतों का डर नहीं फिर देहधारी पखंडियों का डर नहीं किसी का भी डर नहीं रहेगा किसी के जंतर मंत्र तंत्र टूने का डर नहीं। तो हजूर कहते हैं सच्चे पातशाह जी लघु वरना श्राप आप गवाया जो हंकार निवृत्त कर रहा किसी का वर से श्राप लगता ही नहीं वर की इच्छा नहीं तो श्राप लगता ही नहीं। तो कबीर मरना की चिंता नहीं जीवन की नहीं आप कबीर सुरग नरक ते मैं रहे सतगुरु का प्रसाद चरण कमल की मौज महल रहो अंत आरियाद मरण की चिंता नहीं ते जीवन की इच्छा ही नहीं रखी हुई आस ही नहीं। इस वास्ते क्या नरक क्या स्वर्ग बिचारा संतन गौ राधे हम कहूं की कारण न कटते अपने गुर प्रसादे अपने गुरु की कृपा नाल कदे किसी की कनोड़ कान रखने की लोड़ ही नहीं रहेगी। फिर सच्चे पातशाह जी मेहर करेंगे तो ऐसी निरपय पदवी प्राप्त होना तो अमृत छाके रहस रखनी गुरु की बाणी से बाणी का ख्याल रखना सतगुरु सच्चे पातशाह पवित्र उपदेश में हिरदे वसाउण तो सच्चे पातशाह जरूर मेहर करेंगे अपना मनुखा जन्म सफला होवेगा।